अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए CAATSA सैंक्शन से खास छूट दिलाने वाले एक संशोधित विधेयक को बृहस्पतिवार को पारित कर दिया। भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना द्वारा पेश किए गए इस संशोधित विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख रखने वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसे कि CAATSA से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण कानून NDAA पर सदन में चर्चा के दौरान ध्वनि मत से यह संशोधित विधेयक पारित कर दिया गया। खन्ना ने कहा, अमेरिका को चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के मद्देनजर भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारत कॉकस के उपाध्यक्ष के तौर पर मैं हमारे देशों के बीच भागीदारी को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने पर काम कर रहा हूं कि भारतीय चीन सीमा पर भारत अपनी रक्षा कर सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अमेरिकी संसद में इसे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पास किए जाने पर गर्व महसूस कर रहा हूं। यह कानून 2017 में लाया गया था और इसमें ऐसे किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं जो रूसी हथियारों और खुफिया सेक्टर में उससे डील करें। आपको बता दें कि CAATSA अमेरिका का सख्त कानून है जो अमेरिकी प्रशासन को यह अधिकार देता है कि वो रूस से बड़ी रक्षा सामग्री खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा सके। रूस द्वारा 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया छीन लेने के बाद और 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कथित रूसी हस्तक्षेप के बाद यह कानून लाया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि साल 2017 में पेश CAATSA के तहत रूस से रक्षा और खुफिया लेन देन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।